Hello guys, so now we are going to start with the oscillators. So this is our sixth module of our chapter, and we can say it is the last module and one of the important, as it contains the 20 marks. So oscillator is any circuit that generates an alternating voltage. Alternating means AC signal. Any circuit which generates AC signal, we can say it is oscillator. To generate AC voltage, a circuit is supplied from DC. Means in this circuit only DC supply is there, no AC input is applied, but it generates AC signal. So the first question arises, why do we need oscillators? Oscillators have variety of applications. Some need voltages of very low frequencies, means to test the amplifier we need oscillator. For commercial oscillators, there are lots of oscillators available in the market. Signal generator, the function generator that we have used in our laboratory, वो सारे function generator में जो भी frequency generate होता है sine wave at different frequency, वो oscillator के through आता है. तो देखते हैं oscillator और amplifier में difference क्या है. ये एक block diagram है अपने पास. block diagram से आप देख सकते हो कि amplifier के अंदर AC input होता है, DC input होता है और AC output मिलता है. but oscillator के अंदर सिर्फ DC input होता है और एसी आउटपुट मिलता है. तो ऑसिलेटर खुद से एसी आउटपुट जनरेट करता है, बट एम्पलीफायर जो है वो एसी इनपुट को एम्पलीफाई करके आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो रिक्वायरमेंट क्या है एम्पलीफायर के लिए? एम्पलीफायर के लिए लीनियरिटी इज़ द मेन रिक्वायरमेंट, बिकॉज एम्पलीफायर जब लीनियर रहेगा तो ही वो अपने को सस्टेन ऑसिलेशन और प्रॉपर एम्पलीफाई करके देगा आउटपुट, एंड इट शुड हैव हाई गेन. एम्पलीफायर के अंदर दो इनपुट होते हैं, पहला डीसी इनपुट, दूसरा एसी इनपुट. ऑसिलेटर के लिए इट शुड हैव एम्पलीट्यूड स्टेबिलिटी ओनली, एंड इट शुड हैव फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी. मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हमने ऑसिलेटर डिज़ाइन किया है तो उतना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वो प्रोवाइड करना चाहिए. अब हम लोग देखते हैं एक फीडबैक नेटवर्क का ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर. यहाँ पर देखो एक एम्पलीफायर है और उसका आउटपुट जो है वापस से एम्पलीफायर के इनपुट पे दिया है थ्रू अ फीडबैक नेटवर्क. सो द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज गिवन बाय ए, एंड द गेन ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज गिवन बाय बीटा. आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज वीओ, एंड दैट एक्ट एज अ इनपुट टू द फीडबैक नेटवर्क, एंड द आउटपुट ऑफ फीडबैक नेटवर्क इज वीएफ. टोटल सोर्स जो इनपुट में आ रहा है दैट इज वीएस, एंड दैट सोर्स इज इक्वलेंट टू फीडबैक वोल्टेज प्लस इनपुट वोल्टेज टू द एम्पलीफायर. तो यहाँ पे देखते हैं जो फीडबैक नेटवर्क है उसकी बात करते हैं. वो हमारे लिए एक नया नेटवर्क है. एम्पलीफायर हम लोग ऑलरेडी EDC 1 से पढ़ते आ रहे हैं, वही एम्पलीफायर कोई हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विच कैन प्रोवाइड अ सफिशियंट गेन. बट फीडबैक नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रिएक्टिव कॉम्पोनेंट और रजिस्टिव कॉम्पोनेंट, RLC. तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, विच कैन प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फेज शिफ्ट. ओके, तो अभी एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे. फ्रॉम दैट डेरिवेशन वी केम टू नो द सस्टेन्ड ऑसिलेशन कंडीशन. ओके, तो सबसे पहले क्या है VI? VI को हम लोग VS प्लस बीटा VO लिख सकते हैं. व्हाट इज़ बीटा VO? बीटा VO इज़ द VF, दैट इज़ VO इनटू बीटा. देन we can take VO as in terms of amplifier, output voltage is gain into input, that is AVI. VI ko above equation se aap wahan pe rakho, to you will get VS plus beta VO. baad mein VO ek saath pura equal to ke ek side pe consider kiya, VO common liya, then we have total AF, that is the feedback gain, A divided by 1 minus A beta. नाउ ए बीटा इज़ इक्वल टू 1. ए बीटा अगर हम लोग 1 कंसिडर करते हैं तो हमारा जो गेन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, फॉर दैट केस वी कैन कंसिडर दैट VS इज़ इक्वल टू 0. इसको हम उल्टा भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर में AC सोर्स नहीं होगा. AC सोर्स नहीं है मतलब VS इक्वल टू 0. VS 0 कब होगा? व्हेन ए बीटा इज़ इक्वल टू 1. From this condition we can say that the first condition for sustained oscillation is loop gain should be unity.
लूप गेन मतलब इनपुट से लेके आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर दैट इज गेन ए एंड फ्रॉम आउटपुट टू एम्पलीफायर टू द इनपुट थ्रू अ फीडबैक नेटवर्क. सो टोटल गेन कितना हो गया लाइक क्लोज पाथ में ए बीटा. तो वो ए बीटा शुड बी यूनिटी एंड मॉड ऑफ ए बीटा. साइन से मतलब नहीं है, शिफ्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो वन होना चाहिए. दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन. एंड द सेकेंड कंडीशन द लूप फेज शिफ्ट. द फेज शिफ्ट फ्रॉम इनपुट ऑफ अ एम्पलीफायर टू द आउटपुट एंड फ्रॉम आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर टू द इनपुट थ्रू अ फीडबैक नेटवर्क इट शुड बी 360 और 0. 360 या फिर 2nπ मीन्स मल्टीपल ऑफ 2π. एंड दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेन्ड ऑसिलेशन एंड ऑल्सो दीज टू कंडीशंस आर नोन एज बार्क-क्वेसेंट क्राइटेरिया. दिस क्राइटेरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In exam, you will get a question based on this Bark-Wessels criteria for 4 to 5 marks. So you can write these two conditions and also along with this block diagram and this derivation. Okay, so this is our introduction of oscillator and the sustained oscillation condition. In the next video, we will study the classification and different types of oscillators available. Thank you. Okay, so this is a classification of oscillators. Oscillators are classified based on their application. So we have a lots of oscillators available and we have different categories. So oscillators are broadly classified as harmonic oscillators. Those are sinusoidal oscillators, means the oscillators which can produce sine wave or a sinusoidal signal. Second category is relaxation oscillator. Relaxation oscillator means non-sinusoidal, means these oscillators output does not follow the sine wave. Means sine wave के अलावा कुछ भी हो सकता है, square wave हो सकता है या फिर sawtooth wave हो सकता है. Then the next is negative resistance oscillator. Negative resistance oscillator means using active devices. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं harmonic oscillator की. RC phase shift oscillator, it is a low frequency oscillator. देन आर सी के अंदर सेकेंड कैटेगरी है वेन ब्रिज ऑसिलेटर, इट इज़ अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर. देन अगेन इन हारमोनिक वी हैव हाई फ्रिक्वेंसी कैटेगरी, दैट इज़ एल सी ऑसिलेटर. एल सी ऑसिलेटर में फर्स्ट वन इज़ हार्टले ऑसिलेटर, सेकेंड इज़ कॉलपिट्स ऑसिलेटर, देन वी हैव क्लैप, क्रिस्टल एंड ड्यूनटी. ऑल दीज harmonic oscillators we are going to study in detail in this chapter because this is our syllabus. These relaxation multivibrator sweep generator, these oscillators you will study in your LIC, that is linear integrated subject. Negative resistance UJT and tunnel diode based oscillators, these can be used for high frequency tunnel diode, that devices you will study in your higher semesters. सो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में क्या क्या मिलेगा अपने को. हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की अगर बात करते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर होते हैं जिनका आउटपुट जो है वो प्योर साइनोसॉइडल वेव होता है. ओके, तो इसके अंदर दो तरह के ऑसिलेटर आते हैं, एक आरसी ऑसिलेटर और एक एलसी ऑसिलेटर. सो ड्यू टू प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स आरसी ऑसिलेटर्स आर कन्फाइंड टू लो फ्रिक्वेंसी एंड एलसी ऑसिलेटर्स फॉर हाई फ्रिक्वेंसी. दोनों का अपना अपना रीज़न है. आरसी को लो फ्रिक्वेंसी के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते और आरसी को सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी पे यूज़ कर सकते हैं और एलसी को सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी. देन सेकेंड इज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. रिलैक्सेशन ऑसिलेटर दे जनरेट्स नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म सच एज स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्वीप वेव फॉर्म एंड दीज आर नोन एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स. होता क्या है, ये सर्किट के अंदर एक्टिव डिवाइसेस ऑपरेटेड इन नॉन लीनियर रीजन ऑफ इट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ कट ऑफ एंड सैचुरेशन. सो इट वर्क्स बेसिकली ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ मल्टी वाइब्रेटर एंड स्वीप जनरेटर. नेक्स्ट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर. नेगेटिव रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द डिवाइस विच एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी. नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉजिटिव रेजिस्टेंस मीन्स अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो होता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस, मीन्स द डिवाइस विच फॉलोज द ओम्स लॉ. नेगेटिव रेजिस्टेंस आर दोज विच डजेंट फॉलो द ओम्स लॉ, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट डिक्रीजेस.
So this is the concept of negative resistance. These types of oscillators you will study in your later semesters. Okay, तो इसके बाद से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आरसी ऑसिलेटर्स, जिसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आएगा, देन वेन ब्रिज ऑसिलेटर आएगा. तो आरसी फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज दोनों ऑसिलेटर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द डेरिवेशन.